ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी, पार्ट 3, अव्यक्तवाणी 23rd January 1779। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजयमाला के भी अधिकारी हैं। अव्यक्तवाणी 25th January 1779। जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना, जो हो वैसा अपने को समझकर चलना, जो हो अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हो, डायरेक्ट बाप की संतान हो, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऐसे जो हो वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। अव्यक्तवाणी 3rd February 1779। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी, दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। अव्यक्तवाणी 3rd February 1779। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज तिलक और तख्तधारी हो, ऐसी राज्य सभा में बाप आए। जब यहाँ राज्य अधिकारी सभा बनेगी, तब वहाँ राज्य दरबार लगेगी। निमंत्रण दिया जाता है तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़ती है। अव्यक्तवाणी 19th November 1779। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख शांति आनंद प्रेम, यही तो खजाना है ना? तो अधिकारी और खुश ना रहे, यह हो कैसे सकता है? अमृत वेले सदा समृद्धि का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अव्यक्तवाणी 21st November 1779। पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिव वंशी बन गए, अधिकारी बन गए ना? अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना? अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, यह सब पुकार समाप्त। अव्यक्तवाणी 10th December 1779। अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे, अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, ऑर्डर देंगे ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। क्या करें, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे, सदा बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में कभी कभी वाले कैसे झूलेंगे।
अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 79 जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तू आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 79 राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आवाहन कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 79 अधिकार के तत्व पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा, तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तत्व ऑफर कर रहे हैं। उठो और तत्व पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तत्व निवासी होने से भी जो चाहो वह बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं, अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 80 भविष्य में राज्य वंश होने के कारण राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न हर वस्तु में माला माल सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 80 वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। यह विशेष 3 शक्तियाँ राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। अगर यह 3 कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 80 यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज्य गति के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोग पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 80 जो चीज अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना, तो बाप को अपना बनाया इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना, अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 80 एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज।
ज्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रीय जी स्वराज्यधारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हर एक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हर एक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। राज्य दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट अर्थात अमानत में खयानत व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो, तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 81। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो, जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहें वह करा सकें, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 81। जब अभी बाप समान बनो तब ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो।
अव्यक्तवाणी 18 मार्च 81। मैं अधिकारी हूँ। अधिकारीपन की स्मृति ही खजानों की चाबी है। यह चाबी लगाने आती है। इस चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते हो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी हो। राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। आप सब के राज्य का क्या हालचाल है? सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में है। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहाँ क्या करेंगे? अव्यक्तवाणी 23 मार्च 81। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिनकी पांचों ही बातें संपन्न होंगी। एक लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्कल होता है। कब अधूरा होता है तो किन्हों का आधा था, किसका पूरा था, और किन्हों का तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजधारी। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 81। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई हैं। वरदान मिला हुआ है ना? अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना? नए से कल्प कल्प के पुराने पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं आना चाहिए। सदा कर्मयोगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 81। तो जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी सुविश्व के राज्य के ताज के अधिकारी होंगे। संगम युगी ताजधारी सुभविष्य का ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो, संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देव पदधारी। अव्यक्तवाणी 12 अक्टूबर 81।
अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का, चाहे पढ़ाई व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजा पद वाले बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा अर्थात पवित्र आत्माएं होंगी। लेकिन विश्व राजन व महाराजन का ताज नहीं प्राप्त होगा, कोई महाराजन कोई राजन अर्थात राजा। महाराजा और विश्व महाराजा इसी आधार पर नंबर वार ताजधारी होंगे। अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 81। जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी संयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं, मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसी आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे अर्थात एशलम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। अव्यक्त वाणी 29 अक्टूबर 81। अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी, स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी, तो राज्य भी और ऋषि भी, तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। अव्यक्त वाणी 6 नवंबर 81। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वह थोड़े में खुश नहीं होंगी। बनना है तो नंबर 1 बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है, तो ऐसा ही लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो। अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 81। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। वर्तमान सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आवाहन कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्म घर में जा सकें और फिर राज्य अधिकारी बन सकें। अच्छा। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 81। बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है, यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं, बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 82।
यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को ना समझते हुए भी कैसे स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई हैं। अपने को अधिकारी आत्मा समझते होना बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई हैं। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। सदा अपने को विजय रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 82। बाप के बने अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, घबराने के संस्कारों को यहाँ ही छोड़कर जाना, समझा। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो वा सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं। तो दोनों ही नंबर के तख्तनशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियाँ चमक रही हैं। यह मणियाँ हैं दिव्य गुणों की। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। कर्मातीत स्टेज का तत्व कितना श्रेष्ठ तत्व है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्तनशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को आँख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सुविश्व राज्य अधिकारी बनो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं लेकिन साहूकार बने हैं, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है।
लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाएं, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है, अर्थात नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। शस्त्रधारी हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 82। सदा एक ही बात याद रहे कि मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने से अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। यह मुश्किल है क्या? अव्यक्तवाणी 7 मार्च 82। मर जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 82। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त की है। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। अब के राजे वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 82। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। यह अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियाँ होंगी। सुख शांति आनंद प्रेम सर्व गुणों के खजानों से भरपूर। स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 82। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य ले ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता हुआ है। यह तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ब्राह्मण माना ही भाग्यवान, लेकिन वाणी प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को वा चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते, कितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, वह हर एक के पुरुषार्थ पर है। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना अर्थात मिले हुए बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के खत्म कर देना, वह हर एक के ऊपर है। ओम शांति।